परखेड़ा के अंतर्गत एकीकृत शासकीय प्राथमिक विद्यालय पोंटी खुर्द में पदस्थ शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई है। बच्चों को पढ़ाने की जगह बच्चों से विद्यालय में काम करवाया जा रहा है। काम के कई वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। बच्चे ड्रेस में किस तरह से ईंट की ढुलाई कर रहे हैं वह अभी आपके सामने है। वहीं पर मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालय का यही हाल रहा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जहां पर माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं वहीं पर बच्चों से शिक्षा ग्रहण ना करवाते हुए उनसे इस तरह से बोझा ढुलवाया जा रहा है। वहीं पर इस मामले में कलेक्टर को भी शिकायत की गई है। वर्तमान कलेक्टर अवि प्रसाद के द्वारा यहाँ पर जितने भी संस्थान हैं उनमें विशेष सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शासकीय शिक्षा और छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य भी करवाए जा रहे हैं। और जो तस्वीरें पोंडी खुर्द शासकीय माध्यमिक विद्यालय में सामने आई है उसमें यह देखा जा सकता है कि नन्हे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको लेकर अब अधिकारी जांच के बाद में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वहीं पर वहीं पर भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ब्लॉक में पौड़ी खुर्द माध्यमिक शाला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चों के द्वारा मजदूरी कराई जा रही है। ये अभी आपके द्वारा ये जानकारी मेरे संज्ञान में लाई जा रही है माध्यमिक शाला पौड़ी कला के वीडियो वायरल होने के बारे में। मैं अभी बीओ और बीआरसी से जानकारी लेता हूँ क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसे ये वीडियो वायरल हुआ, और इसके बाद मैं विधिवत जांच करा के उसका जांच प्रतिवेदन लेकर के और संबंधित के विरुद्ध जो है कार्यवाही जो है अगर मेरे स्तर की है तो मैं करूँगा, अन्यथा जो है सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करूँगा। लेकिन सर वीडियो में बच्चे जिस तरह से मजदूरी कर रहे दिख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अब ये जांच करानी पड़ेगी परिस्थितियों की, क्या मतलब मैंने तो वीडियो अभी देखा नहीं है ना, अब देख करके और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर के फिर मैं कार्रवाई करता हूँ। तो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं या मजदूरी पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल पढ़ने जाते हैं और मजदूरी कराने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ वो तो कोई मतलब इसका उचित नहीं। तो इस संदर्भ में कब तक कोई कार्रवाई की? हम तुरंत करेंगे, बस हमारे पास अब संबंधित डॉक्यूमेंट और या साक्ष्य आ जाए और मैं उनसे प्रतिवेदन ले लूँ, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।